हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्केलेटर 46। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग की सीधा राइड हो रही है मुजफ्फरपुर मतिहारी के लिए, और इस वक्त जा रहे हैं हम लोग हम और बासित और आदिल, साथ में नूर भाई है। और अभी सीधा जाएंगे मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से सीधा मतिहारी, मतिहारी से सीधा केसरिया, ठीक है। तो वहाँ जाते सीधा जाएंगे, अपना एक ही लोकेशन है जो बहुत सैतुपा है, वहाँ आपको दिखाते हैं कि टूरिस्ट लोग जाते हैं किस लिए आ रहे हैं, कौन सा वजह है। तो भाई देख सकते हो अभी मुजफ्फरपुर पहुंचे भी नहीं है, और इधर क्या हाल है, सब जगह देख रहे पानी ही पानी लगा हुआ है, क्या गजब है, पूरा खेत भरा हुआ है। भाई देखो हम लोग की गाड़ी अभी 80 से अभी तुरंत उतरी है, और सामने देखो ये लूना वाले को देखो, स्कॉर्पियो के लेवल में चला रहा। तो जो चीज़ के लिए आए थे आपको चीज़ दिखा रहे हैं, ये देखिए शाम हो गया, यहाँ पे 2 बज गया पहुँचते पहुँचते। आदिल और बासित रनिंग करते हुए, प्लस नूर भाई भी सेतुपा का मजा लेते हुए, और अभी पूरा सेतुपा का देखते हैं। पर इतनी धूप है ना यहाँ पे, हिम्मत नहीं कर रहा जाने का। तो देखिए अब यहाँ पे हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, और इधर से फिलहाल रास्ता है जाने का, और इधर से हम लोग आएंगे, ठीक है। और इसके पीछे जाते हैं, घूम के आना है चारों तरफ से। ये देखो जो मैं पहले भी दिखाया था 2 साल पहले, फिर 2 साल के बाद यहाँ आया हूँ। आफ्टर 2 ईयर्स चेंजिंग कुछ नहीं, हम लोग चेंज हो गए तरह तरह, कुछ दुबला है कुछ मोटा गया है। हम लोग चलते चलते यहाँ तक आ गए, आधा सफर तय हुआ है, और ये देख सकते हैं आप भैया। यहाँ पे एक मंदिर है, और मंदिर के जस्ट पीछे एक पीपल का पेड़ है, और उसका देखिएगा क्या लुक आता है। बाकी जो भी चैनल पर नए नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इधर तो पीछे सूरज है, इसलिए हम लोग का चेहरा जो है ना क्लियर नहीं आ रहा है, पर अब दिखाते हैं आप लोगों को। आदिल वासिद यहाँ पे घूम रहा है, पीपल का पेड़ मज़ा ले रहा है, और पीपल का जो छांव है काफ़ी मज़ा दे रहा है। ये तो पूरा भूख है भाई, बैठने का जगह नहीं है। अब इस देख सकते हैं इस कदर, क्योंकि अभी इधर यहाँ पर मना इसलिए किया गया चढ़ने से, क्योंकि आप देख सकते किस तरह जंगल यहाँ पर बढ़ चुका है, इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इसके लिए यहाँ पे अलाव नहीं है किसी को जाना, नहीं तो चढ़ के तो जरूर बताते आप लोग। तो ये देखिए आप, ये देखिए जंगल जो है इसके वजह से जो है ना, नहीं वो चीज़ नहीं होता यहाँ पे, ये सब गलत बात है, पर जंगल की वजह से जो है ना चढ़ने का अलाव नहीं है, नहीं तो क्लियर रहता तो जाने दिया जाता। और ठीक आज से 2-3 साल पहले मैं आया था, जो मैं उस चोटी तक गया था जरूर, और ये दोनों काफ़ी खुश है, बहुत मजा आ रहा है। आदिल जो ये देखो, ये देखो ये था, ये है, ये रहा, ये रास्ता था, ठीक है, इधर से चढ़ने का था डायरेक्ट ऊपर, पर ये रास्ता अब ब्लॉक हो गया है। अब ये रहा जो लाइब्रेरी छोड़ के पढ़ने के बदले में यहाँ घूम रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब लाइफ के साथ चलता रहता है, और हम चल रहे हैं। ये देखो ये रास्ता एक रहा, ये दूसरा रास्ता है, देखो डायरेक्ट देखो छत तक है, आप देख लीजिए हम क्या करें। ये देखो हम लोग आधा पार कर चुके हैं, चढ़ने का अलावा रहता था हम लोग पूरा चढ़ के पूरा केसरिया जो है हम दिखा देते हैं। और एक चीज़ दिखाते, रुको यहाँ से देखो, ये वहाँ देखो एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, बुद्धा रेस्टोरेंट, जिसी के नाम पे खुला है सामने, जस्ट नॉन वेज वहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे रील्स हो रहा है। चालान
जरूर भाई। तो अभी यहाँ से हम लोग सीधा घर की तरफ निकल रहे हैं, और ये जो रहा हुआ क्या, बीच में खाने वाने का वीडियो जो है ना नहीं बना पाए, जो रेस्टोरेंट में गए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मोमेंट अलग था। और वासिद और आदिल कैसा रहा सफर? बहुत घटिया भाई। ये लग तो शायद घटिया ही लगा, पर हम तो आना जाना करते रहेंगे, ठीक है। बाकी सब आप लोग सब्सक्राइबर जो है, ठीक है।